गाइस पूरी वीडियो जरूर देखना, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक वीडियो है, मतलब आपको देख के मजा आ जाएगा एंड 1 मिलियन के बहुत करीब है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। सालों से इस प्लान के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतनी आसानी से कैसे फंस जाऊंगा। सब कुछ तो आपके खिलाफ था, आपके अंकल ने, यीशु ने, सबने मान लिया आप ही गुनहगार हो। यहाँ तक कि उनके पास आपकी रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें आपने कबूल किया आपने ही अपने भाई को मारा। तो फिर आपने ऐसा क्या किया कि सभी आपके साथ हो गए? बहुत बड़ा खेल खेला है मैंने, और अगर तुम मेरे जितना स्मार्ट होते तो आज मेरी जगह तुम होते। मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताइए। तो फिर चलो फ्लैशबैक में। चल बे जल्दी से पेट्रोल भर। जी साहब भरता हूँ। अबे तेरी आवाज तो बिल्कुल मेरे जैसी है। जी साहब मैं अलग अलग तरह की आवाज निकाल सकता हूँ, कभी आपके जैसी तो कभी भूत जैसी। मेरे लिए काम करोगे? जी साहब कर लेंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें अभी अपने अंकल के पास ले जाऊंगा और ठीक उनकी आवाज सुननी है और उन्हीं की तरह आवाज में बात करना। और ये रखो 10 लाख रुपए, जब मैं उन्हें देने बोलूं तो उन्हें दे देना और कहना कौशिक ने दिया था। जी साहब कह दूंगा। ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर मुझे क्या मिलेगा? चल 1 लाख तू भी रख लेना। तो समझिए आपका काम हो गया। उसके बाद बचा ही क्या था, मैंने एक रोने का नाटक किया और सब पिघल गए। आपके जैसा सातीर मैंने आज तक नहीं देखा। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें कौशिक को संभालना होगा। यीशु के जाने के बाद वो पूरी तरीके से टूट चुका है और इस वक्त उसे हम नहीं संभालेंगे तो आखिर कौन संभालेगा अंकल? मेरे बेटे ने अपना प्यार खोया है, अपनी हिम्मत नहीं। और तुम देखना शुभम, एक ना एक दिन वो वापस आएगा और सबसे बदला लेगा। मुझे मेरे बेटे पे पूरा विश्वास है। मुझे भी पता है वो वापस आएगा, लेकिन उसे वापस लाने के लिए हमें कुछ करना होगा अंकल। उसे याद दिलाना होगा अभिनव है असली कातिल और इसमें यीशु की कोई गलती नहीं है। यीशु के नजरों में जो सच्चाई है वो बस उसी के हिसाब से चल रही है। तो ऐसे में क्या करना सही होगा शुभम? जितना प्यार वो यीशु से करता है उतना ही आपसे भी। और अगर आप पे मुसीबत आ जाए तो वो वापस जरूर आएगा, वो आपको बचाएगा भी और अपना प्यार भी पाएगा, बस उसे उकसाना होगा। और वो कैसे करोगे तुम? आपकी झूठी किडनैपिंग करा के। और अगर कौशिक ठीक नहीं हुआ तो? ऐसे भी हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। तो ठीक है हम लोग ऐसा ही करेंगे, बुला लो गुंडों को। ओके अंकल। मैंने कॉल कर दिया, वो बस आते ही होंगे। ठीक है हम लोग यही इंतजार करते हैं। लगता है वो लोग आ गए। और भेड़ो बताओ किसका किडनैपिंग करना है? इन अंकल का। ठीक है हो जाएगा। कितने पैसे लेंगे आप? लगता है मालदार बाटी है, किडनैपिंग करने का भी पैसा मिलेगा और फिरौती की रकम भी हमें ही मिलेगी। क्या हुआ आप किस सोच में पड़ गए? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, आओ चलो गाड़ी में बैठो, उसके आगे क्या करना है वो हम लोग देख लेंगे। आइए अंकल गाड़ी पे बैठ जाइए, सब कुछ प्लान के अनुसार ही हो रहा है, बस एक बार कौशिक वापस आ जाए। अरे चाचा जल्दी गाड़ी पे बैठो और चलो। चलो फिर शुभम फिर मिलते हैं। ओके बाय अंकल। बस एक बार अपना कौशिक ठीक हो जाए उसके बाद वो हर गुनहगार का पर्दाफाश करेगा। मुझे छोड़ दो, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ये तो पापा है, इन लोगों ने पापा को यहाँ क्यों लाया? बुड्ढे देख मैं बात घुमाऊंगा नहीं, सीधे सीधे बोलता हूँ, तेरे पास जितना भी पैसा है सब कुछ हमें दे दे। मेरे पास कुछ नहीं है। छोड़ दो मेरे पापा को। तू कौन है, चल जा अपना काम कर। मेरे पापा है वो और मैं उन्हें लेके जाऊंगा। लेके जाएगा? कैसे लेके जाएगा बोल। जब तक ये सारा पैसा नहीं देगा हमें तू इसे लेके नहीं जा सकता है। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? साला बुड्ढा बहुत बोलता है। बेटा बचाओ। पापा मेरे पापा है वो, मेरी जिंदगी मेरी दुनिया सब कुछ, और तूने उन्हें चोट पहुँचाया, अब तेरा क्या? तुम सबका बचना नामुमकिन है। मैंने सराफत से कहा था छोड़ दो इन्हें, पर नहीं तुमने मेरी नहीं सुनी। अब देखो अंजाम क्या होता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा,
किसी को भी नहीं। भैया भैया गलती हो गई हमसे भैया, प्लीज भैया माफ कर दो भैया। पैसे मुझसे लेते हो और डरते हो इससे? नहीं बॉस, हमें हमारी जान बहुत प्यारी है बॉस, हमारी बात मानो बॉस, ये आपको भी नहीं छोड़ेगा, प्लीज भाग चलो यहाँ से। तुम सब डरपोक हो, इससे डर गए, जाओ निकल जाओ यहाँ से और हाथों में चूड़िया पहन लो। साणे चुपचाप यहाँ शांति से बैठ जा वरना जान से मार दूंगा। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? जिन जिन को अपनी जान प्यारी है वो चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना ठीक थोड़ी देर बाद उनकी लाश जाएगी यहाँ से। अरे मेरे बाप हमें छोड़ दो। अरे हाँ रे, मरने से तो अच्छा है कि भाग जाओ। तू नहीं गया? मुझे किसी का डर नहीं है, तेरा भी नहीं। तूने अपनी मौत को खुद बुलाया है और इसीलिए तेरे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार भी तू ही होगा। मेरे पापा को चोट पहुंचाने की कोशिश भी मत करना वरना वो हल करूंगा जिसे तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। बेटा बस पैर में गोली लगी है, तुम चिंता मत करो मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा आपको ठीक तो होना होगा ही। अंकल मेरी बात सुनिए, जो भी मैं आपसे पूछूंगा उसका साफ साफ आंसर दीजिएगा। धोखेबाज, क्यों अपना मुंह उठाए यहाँ चले आए और मुझसे वफादारी की उम्मीद रखते हो? जब तुमने मेरे बेटे को मारा तब नहीं सोचा? आखिर क्या जवाब दोगे? अंकल या तो आप मुझे सीधे सीधे जवाब दीजिए वरना मुझे गलत कदम उठाना होगा। गलत कदम तो तूने उठाया ही है मेरे बेटे को मार के। मुझे मेरा जवाब चाहिए वरना मुझे आप पे भी गोली चलानी होगी। अगर मैं मरा तो तुम भी बच के नहीं जा पाओगे। यीशु के बिना तो मैं हर रोज मरता हूँ, तो आज असल में ही सही आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताइए यीशु कहाँ है? सुनो मेरी बात सुनो, यीशु कहाँ है? कालाहारी कमांड पोस्ट। बता दीजिए उसे हम जल्द ही मिलने वाले हैं और मैं ये साबित करके रहूँगा आपके बेटे को मैंने नहीं मारा। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, अब चले जाओ यहाँ से। याद करो मैंने तुम सबसे कहा था मर जाओ तो मर जाओ पर मुझसे गद्दारी मत करना, मगर लगता है तुम्हें ये बात याद नहीं है। मुझसे अभिनव से गद्दारी, पता है इसका अंजाम क्या होगा? बॉस प्लीज बॉस इसे छोड़ दीजिए बॉस, ये मेरा भाई है, इसे कुछ मत करिए। भाई की वकालत करने आ गए? तुम्हें तो पता ही है गद्दारी की सजा मौत होती है। मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ बॉस, प्लीज बॉस मेरी बात मान लीजिए बॉस, इसे छोड़ दीजिए। अगर तू नहीं देख सकता है तो मुंह घुमा ले पर इसे तो मौत मिलेगी। आप मुझे मार दो पर इसे छोड़ दो। नहीं कभी नहीं, जिसकी गलती उसी को सजा मिलेगी। नहीं बॉस आपने ये क्या कर दिया बॉस। हर गद्दार को यही सजा मिलेगी, इसीलिए गद्दारी का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाना। और तुम अपने भाई की बॉडी ले जा सकते हो अंतिम संस्कार करने के लिए। जी बॉस। बॉस ने बहुत गलत किया, उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, अब अपने भाई के बिना मैं क्या करूंगा? मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार वो अभिनव है और मैं उस अभिनव को छोड़ूंगा नहीं। उस अभिनव ने तुम्हारे भाई को भी मार दिया? वो साला एक नंबर का धोखेबाज है, उसने अपने भाई को मार दिया तो तेरा भाई क्या है उसके सामने? मुझे मेरे भाई का बदला चाहिए, मैं कुछ भी करके अभिनव को जान से मार दूंगा। वो अभिनव तुम्हारा भी दुश्मन है और मेरा भी, और उसकी जान लेना ये तो बहुत छोटी सजा होगी उसके लिए। मुझे उसे तड़पाना है, तिल तिल रुलाना है। लेकिन ये नामुमकिन है, वो बहुत शक्तिशाली है और उन्हें पकड़ पाना इतना आसान नहीं। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। बस ये बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगे? उसने मेरे भाई को मारा है और उससे बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, काम होते ही कॉल करना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मैं ये काम करने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। तो चलो फिर काम पे लगो। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है, जल्दी से आ जाइए। बस पहुंचता हूं।
अभिनव मैं तुम्हारे सामने हूँ, हिम्मत है तो बाहर आओ। अभिनव सर से मिलने के लिए पहले तुम्हें हमें हराना होगा। मैं चमचों से बात नहीं करता, बुला अपने मालिक को। अगर मर्द का बच्चा है तो आजा, अभिनव नीचे आना। अरे अरे कौशिक, तुम तो बड़े गुस्से में हो। लेकिन कौशिक, गुस्से में फैसला नहीं करना चाहिए। अब यही देख लो, तुम यहाँ आके फंस गए और जिंदा तो वापस जाओगे नहीं। सभी लोग घेर लो इसे। अगर जिंदा जा नहीं पाऊंगा तो तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा भी नहीं। तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगे? तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? इन सब को देखो, इन सब का निशाना तुम पे है। जरा ध्यान से देख अभिनव, इन सब का निशाना मैं नहीं तू है। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है अभिनव। ये सब कैसे हुआ? ये लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? तेरा अंत समय आ गया। अभिनव तुमने मेरे भाई को मार के अच्छा नहीं किया। मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा अभिनव, और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तेरा तो सब कुछ पहले ही बिगड़ चुका है और अब बस तेरी जिंदगी बाकी है। अभिनव चुपचाप गाड़ी पे बैठ और चल हमारे साथ कलाहारी। आजा अभिनव, चल तेरी मौत के लिए। अभिनव ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अभी हम लोग यीशु के पास जाएंगे और तुमसे मैं कह देता हूँ, वहाँ जो भी कहना एकदम सच सच कहना, वरना याद रख ये जो तेरे सामने खड़ा है वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरे एक झूठ से तेरी मौत पक्की है। ठीक है, मैं जो भी कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा। वैसे भी झूठ तो तू बोल भी नहीं सकता है। ठीक है, मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। अभिनव चल गाड़ी पे बैठ। यीशु मेरी बात सुनो। तुम यहाँ कैसे आए? कैसे और कब, ये सारी बातें बाद में होगी। भैया आप भी? यीशु मुझे माफ कर दो यीशु, कौशिक की गलती नहीं है, तुम्हारे भाई को मैंने ही मारा था। ये आप क्या बोल रहे हैं? पक्का कौशिक ने आपको धमकाया होगा? तुम्हें लगता है कोई मुझे धमका सकता है? यीशु ये जो भी बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है। तुम्हारे भाई को मैंने नहीं, इस अभिनव ने मारा, और उस रिकॉर्डिंग से बचने के लिए अभिनव ने 10 लाख का नाटक किया था। यीशु मुझे माफ कर दो यीशु, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको जान से मार दूं, इससे पहले आप यहाँ से चले जाओ। मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी नहीं, दूर हो जाइए मेरे नजरों से। अभिनव सुना नहीं यीशु ने क्या कहा? चल निकल इधर से। मुझे माफ कर दो कौशिक, मुझे माफ कर दो। अंत भला तो सब भला, आखिरकार तुम्हें सच्चाई का पता तो चला। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। कोई बात नहीं, होता है। वाह कौशिक वाह, आखिरकार मैं तुम्हें मान ही गया। तुम सही थे और मैं गलत, अपने पराए हो गए और पराए अपने। ये तो कुछ इत्तेफाक ही वैसा था। अंकल मैंने आपको डराने की कोशिश की थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये सब तुमने सच सामने लाने के लिए किया था, और सच के लिए कुछ भी करना पड़े तो करो। अब सब कुछ ठीक है पापा, मुझे मेरा कौशिक वापस मिल गया। आप लोग सोच रहे होंगे वाह क्या हैप्पी एंडिंग है, लेकिन एक बात बता दूं, ये एंडिंग एंडिंग नहीं है। अभिनव एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, और अगर जानना चाहते हो तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड वीडियो में जिनकी इशू की आवाज है उन्हें भी जाके जरूर से सपोर्ट करना, उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में। अभी मैंने अपने फ्रेंड के साथ गेम खेला और उसे बुरी तरीके से हराया, और ये देखो उसके पैसे भी फटाफट UPI से आ गए। और हाँ IPL नहीं तो SPL ही सही, स्किल क्लैश प्रीमियर लीग, और कमाए ढेर सारा पैसा।